एप्लीकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स You're challenging this P6? सूची अनुसार कलेक्टर जिला सत्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/2/19 सत्यापित प्रति अभिलेख पर दिए जाने का निवेदन इस आधार पर किया प्रतिवादी क्रमांक 7 के अवैध खून रचना की क्रियाकल्प के कारण तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उसे सेवा से निलंबित किया गया था। उप निलंबन आदेश की जानकारी प्राप्त होते ही उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत की जा रही है जो प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु उपयोगी दस्तावेज है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा उप आवेदन का लिखित एवं प्रस्तुत न कर मौखिक विरोध के आधार पर किया गया है कि प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में किसी प्रकार सुसंगत नहीं है। वादी द्वारा प्रश्न के आवेदन के माध्यम से जिस दस्तावेज को अभिलेख पर लिए जाने का निवेदन किया है वह प्रकरण किस प्रकार सुसंगत है स्पष्ट नहीं किया है। तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा किए गए स्फूर्त रचना पूर्ण को दर्शित करने के लिए उप दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज से दर्शित नहीं होता कि प्रतिवादी क्रमांक 7 को किस प्रकरण को विवादित स्थल या उसे संबंधित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया है। ऐसी स्थिति में उप दस्तावेज इस प्रकरण के निराकरण हेतु अभिलेख पर लिए जाने का कोई आधार न होने से प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। वादी द्वारा दिनांक 9/9/19 को आदेश 7/14 के अंतर्गत अविष्कृत सूची अनुसार दस्तावेजों को अभिलेख पर लिए जाने का निवेदन इस प्रकार पर किया प्रस्तुत दस्तावेज प्रतिवादी रामचंद्र मणि के द्वारा किए गए क्रियाकल्पों का नामों में अपराधिक गतिविधियों के परिचित है। उप दस्तावेज अभी उपलब्ध हुए हैं इसलिए अब प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के खंडन में भी उप दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि उप दस्तावेजों को प्रकरण में शामिल नहीं किया गया तो वादी अपना पक्ष समर्थन नहीं कर पाएगा। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा उक्त आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज विवादित मकान एवं प्रकरण में परिवर्तनों से संबंधित नहीं है। प्रकरण में अर्जी नंबर 288/1/37/40 में बने मकान के संबंध निष्पादित विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है किंतु उस प्रस्तुत पूरे दस्तावेज उस द्वारा संपत्ति संबंधित नहीं है। बताया पूछी जो वारिक मकान से क्या संबंध है तथा उसे कौन सा तथ्य साबित किया जाना है नहीं बताया गया। उप दस्तावेज वर्ष 2009/10/12 से वादी के पास मौजूद थे पूर्व में प्रस्तुत न करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से उप दस्तावेज प्रकरण की द्वारा संपत्ति से संबंधित होना प्रकट नहीं होते हैं। उप दस्तावेजों से अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उप दस्तावेज में से कुछ दस्तावेज की प्रमाण प्रतिक्रिया 9/10/12 में ही वादी को प्राप्त हो गई है। फिर भी वादी प्रश्न निराशा के पूर्व उप दस्तावेज प्रस्तुत न करने कोई उचित व संतोष का कारण वादी द्वारा दर्शित नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज न केवल विलंब से प्रस्तुत किए गए हैं अपितु उस दस्तावेज का प्रकरण का विवादित संपत्ति के कोई संबंध होना भी दर्शित नहीं होता है। विचारुसार प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य न होने से निरस्त किए जाते हैं। Two applications were decided. You are appealing both the orders. Both the orders. By BMC in June order, both the applications were decided and the applications were rejected. So, I'm going to kindly come to my claim. Where my contention is that I am the owner of the suit land and defendant number 1 in collusion with defendant number 7, who was his son and Parivari then, wrongly got his name used as a revenue record. Yes. Panel number 7 is substantial enough. Page number 16. Page number 16. 16, yeah. Yes. यह कि वादी वृद्ध व्यक्ति है तथा वादी अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थ रहने के कारण मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है तथा अस्वस्थ होने के कारण वादग्रस्त मकान में प्रतिवादी क्रमांक 3/5 के साथ रहता था और आज भी रह रहा है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का पुत्र राम शिरोमणि सिंह सूर्यवंशी सतमा प्रथम में यानी तहसील रघुराज सतना मध्य प्रदेश में पटवारी पद पर पदस्थ था और वादी के स्वामित्व एवं प्रतिवादी क्रमांक 3/5 के स्वामित्व मकान एवं भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पटवारी हल्के के अंतर्गत आई थी जो वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्र पटवारी
के पास मात्र राजस्व अभिलेख लेने के लिए गया था तो प्रतिवादी तमाम एक था यानी हल्का पटवारी वादी को दूसरे दिन बुलाया और यह कहा कि राजस्व कार्यालय में राजस्व अभिलेख बिलावर देंगे और फिर हल्का पटवारी के साथ कचहरी ले गया था और वादी कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए। दिस पर्टेन्स टू द डॉक्यूमेंट मेड बाय अस दैट द कंसर्न्ड पर्सन ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम हिज जॉब फॉर डूइंग एक्टिविटीज विद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। Now the remaining documents is a list I've produced. That's on page number 45. Yes. These are all copies of the Patwari Prativedan and orders of the Tehsildar pertaining to the suit land as also the land adjoining. Reason may not the counterclaim filed by the defendants. Yes. Any raise contention with respect to the boundary of the suit land and its identity. The counter claim is on page number 26. And the part I'm relying on is on page number 37. 26 was in there. Yes. The counter claim referred by defendant number 1 and 2. Paragraph number 1. यह कि प्रतिवादी क्रमांक एक एवं दो द्वारा अपनी आवासीय व्यवस्था हेतु वादी के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपनी अर्जी एवं मकान वितरित किए जाने की इच्छा प्रकट किए जाने और कीमत तय होने के उपरांत वादी से मौजा सो विक्रय पत्र दर्शे चौथे के अनुसार 2.5 लाख रुपए का भुगतान कर उप पंजीयक के समक्ष वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 व 5 की उपस्थिति में मौके से अधिपत्य दिए जाने एवं प्रतिफल प्राप्त होने की तस्दीक किए जाने पर उप पंजीयक द्वारा विक्रय पत्र के निष्पादन दिनांक 9/9/2004 अंतिम पंजीयन दिनांक 15/12/2004 को निष्पादित कराया जाकर अपने समान हक एवं स्वामित्व सौंप दिए गए जिसके आधार प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 पारित स्वामित्व का अधिपत्य हो गए। मकान की ऊपरी मंजिल के पश्चिम तरफ बने हुए दो कमरों पर रख लिया गया था जिसे नया मकान निर्मित होने पर मानवता पूर्वक खाली किए जाने की बात कही गई थी। उसमें आज भी वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 तरह लगाकर अपने आधिपत्य में लिए हुए हैं। इसे प्रतिवादी क्रमांक 1 व 10 द्वारा प्रतिदावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल भाग से दर्शित किया गया है। साथ ही ऊपरी मंजिल के पूर्वी भाग में जो लैट्रिन एवं बाथरूम स्थित है उसमें नजरी नक्शा अनुरंगन क में पीले भाग से दर्शित किया गया है वो भी अपने आधिपत्य में लिए हुए हैं तथा पश्चिमी भाग में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा नया मकान बनाया गया है उसकी छत से उत्तरी भाग की दीवार छोड़कर प्रवेश का रास्ता बना लिया है। उसी भाग के संबंध में यह प्रतिदाव प्रस्तुत किया जा रहा है जिस प्रतिदाव में आगे वादी का स्वीकार संबोधित किया जाए। That does not match with the map that is actually on spot that has been produced by us in these additional documents. The documents that we tend to produce, all the said documents deal with Khasa number 288/1, /1, that has been further subdivided into subdivision 5. Now, the two reasons given by the court below is that they do not pertain to the suit lands and they have been relatively produced. But the second number of 714 only on the ground of delay, the application cannot be rejected. Whether those documents pertain to Suitland or not? Suitland, they do not. How do you say? But the order that it introduced these things over are thus. You come to that, your application first. You have filed two applications, 714. The first one is Anikir P3, the second one is P4. So this perhaps that P4 is the application along with which you file this list of documents. Where have you stated in this petition an application that these documents pertain to Suitland? Page 43. No? This is the second application. The second application. Yeah. बताइए कहाँ यह भी स्टेटेड द डॉक्यूमेंट्स यह की बात मकान से लगा हुआ पश्चिम दिशा में स्थित प्लॉट कस्बा क्रमांक 288/1/1/5 रकवा इतना वर्ग फुट का अवश्य व्यवपर्तन एवं पूर्व निर्धारण वादी ने इस प्रकरण में आदेश दिनांक को कराया था एंड द लैंड इन डिस्प्यूट इज 288/1/2 दिस पर्टेन टू द सेम पीस ऑफ लैंड नहीं विवादित मकान से लगा हुआ तो दैट्स बिकॉज़ द डिस्प्यूट दैट दे हैव फ्रंटेड इन द काउंटर क्लेम कि हमारी बाउंड्री ये है और ऊपर घर बना है और उसका रास्ता बना है बिकॉज़ ऑफ दैट वी प्रोड्यूस दीस डॉक्यूमेंट्स दैट हैव द पटवारी रिपोर्ट एंड द पंचनामा
as to what exactly is the map on spot. Page number 40 is the map is produced with a counterclaim. How these voter lists were connected with the district? Sir, that entirely may not be relevant. The only part relevant is that the Patwari was suspended. Apart from that, the voter list is not taken on record. But the other documents that are public documents, the order of the tehsildar and revenue records, that how, are important. How even suspension is this? Maybe these documents from serial number 1, 2, 3 and 4. Sir, this may be relevant in the list of documents that is at page number 45. Page 45. No. What about this? Why this order of suspension or the voter list? The voter list, I admit, is not relevant. But even order of suspension is also not relevant. It's not the case of dependence that income and revenue record mein chada hua hai. And how that revenue record was altered is with respect to position of letter number 7 in the authority. The order was suspension with regard to some allotment made. That has no nexus with your. No, that's related to that. Those documents are not taken on record. Document number 1 to 4 relate to the revenue records. These may be taken on record. Those two may not be substantial for the. How these applications has been dealt with by the court? The subsequent application. In the second date of second application is 9/9/19. Come to page number 56. Page 56. You read from the top. Vadi Dwara. Vadi Dwara Prashnadi Navajan Pitha Trust Dastavezo Pi Avlokan Se Uf Dastavez Patran Ki Vibarit Sambatthi Sambandhe Pura Patak Nahin Hote Hain. Uf Dastavezo Pi Avlokan Se Yase Patak Hota Hain. Ki Uf Dastavezo Mein Se Kuch Dastavez Si Prayan Tripulati Vash 2009-10-12 Meri Vadi Ko Saaf Ho Gai Thi. फिर विवाद प्रश्न विराजन के पूर्व उप दस्तावेज प्रस्तुत न करने का कोई उचित संतोष पर कारण तुम्हारी द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज न केवल विलंब से प्रस्तुत किए गए हैं अभी तो उप दस्तावेज से पत्र की वारिस संपत्ति से कोई संबंध होना भी दर्शित नहीं होता है। इसे निरस्त किए जाते हैं। ऑन द पॉइंट ऑफ डिलिंग अंडरलाइन ऑन जजमेंट ऑफ द ट्रांजिटरी कोर्ट तो कोऑर्डिनेट प्लान सेट अप कच्ची कैटेगरी दिस सिविल 714 एप्लीकेशन कैन नॉट बी सोली रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिलिंग इफ द डॉक्यूमेंट्स आर material for the purpose of adjudication of dispute between the parties. Yes. So now my submission is, apart from suspension order and the voter list, the other documents are relevant for the plaintiff to prove this case. Yes, Patai, after that. The principal moment my submission is this, that the court will have rightly held that some of the documents they are relying as the such as the Khasra entry and the order of suspension. The court below has held that since from the year 2010-11-12 they were having the possession of such documents, but they have not produced with the plaint file. Apparently, the documents as stated in the application are not relevant. I would like to point out my reply to this application. That is the regular P5. Page number 47. यदि प्रकरण आरआजी नंबर 288/1 के अभिलेख अथवा 32/2 वर्कपीट में बने मकान से संबंधित निष्पादित विक्रय पर अवैध व शून्य घोषित करने का दावा प्रस्तुत किया गया है, किंतु उक्त आवेदन के साथ वादी द्वारा अन्य भूखंड आरआजी नंबर 288/1 का /15 रकवा 25/1 के रिक्त डायवर्जन आदेश वह उससे संबंधित प्रतिवेदन एवं नक्शा प्रस्तुत किया गया है एवं इसी तरह अमरीश पांडे के भू स्वामी खाते की अराजी नंबर 600 के सीमांकन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया है तथा इसी प्रकार एक अन्य अराजी से संबंधित सीमांकन व स्थल नक्शा प्रस्तुत किया है अराजी नंबर 600 श्रीमती नीलू दुबे बनाम शासन के सीमांकन से संबंधित दस्तावेज व अराजी नंबर 600 मौजा धवारी के रजिस्टर विक्रय से प्रतिलिपि प्रस्तुत किए गए हैं कोई भी दस्तावेज प्रकरण में विवादित मकान से संबंधित दस्तावेज नहीं है इसलिए उक्त दस्तावेजों को प्रकरण में दिया जाना उचित नहीं है
यह कि वादी में नगर पालिका सतना के मतदाता सूची वर्ष 2004 वार्ड क्रमांक 44 की मतदाता सूची भी प्रस्तुत किया गया है, किंतु वादी उक्त आवेदन में यह नहीं बताया गया है कि मतदाता सूची का प्रकरण में विवादित मकान से क्या संबंध है तथा मतदाता सूची का कौन सा तथ्य साबित किया जाना है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक न होने से प्रकरण में लिया जाना उचित नहीं है। यह की वादी उक्त आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया है कि प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के साथ प्रारंभ होने से पूर्व प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया है, जबकि दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दस्तावेज वादी के पास क्रमश वर्ष 2009, 10, 12 में मौजूद थे। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेज जो प्रकरण विवादित मकान से संबंधित नहीं है, कानूनन प्रकरण में लिया जाना उचित नहीं है। मतलब दिस एप्लीकेशन वाज फाइल्ड मतलब आफ्टर द क्लेमेंट एविडेंस वाज ओवर and states was taken up by the bank under the old category cases matter under the 5 year head category matter issues of that matter the evidence was also and during the taking of evidence the application was and these documents are not at all related to one of the matter suti is not at all related to the property matter So they have to satisfy before the court will order. There is no interim order in this case. No, there is no interim. It's a dependent evidence. The scale of suit is dependent evidence. The point that this document cannot exist in the earlier stage, it was when a counterclaim was filed and there was disparity between the maps produced by them and the map we were relying on. It was then that the opportunity arose that we had to deal with the disputed questions that can be decided in the trial after taking these documents into consideration. That is the purpose of this filing this application was only to delay the suit procedure. They could have filed it at the time of filing this claim. Even the court below said that they were having the possession of the document. Yes. That's all. Yes, sir. Very well. ले लीजिए वो भी रख लेना फाइल में। ट्वेंटी फोर